हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकर आका मैथ डैडी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस पर। और हम लेकर आए हैं भारत की सबसे पसंदीदा, सबसे विश्वसनीय सीरीज जिसका नाम है 20 डेज प्लेज। यहां पर हम लोग पूरा सिलेबस मात्र 20 दिन में खत्म कर देते हैं, वो भी 100% मार्क स्कोर करने के लिए। तो आई होप आपने मेरा वीडियो नंबर 1 देख लिया होगा, ये है उसका पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए वेक्टर के फंडामेंटल समझा दिए थे। अब देखते हैं कैसे बनते हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर। तो बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल रिवाइज कर लें सिर्फ 30 सेकंड में। पहला क्वेश्चन जहां पर आपको निकालना रहेगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब किस तरह निकालते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? आपके पास अगर दिया हुआ है 2a+b डॉट 2a-b, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? क्या मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं? जी हां, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करने वाला हूं। लेट्स बिगिन। यहां पर हमको अच्छी तरह पता है कि a डॉट b वेक्टर जो होता है वो b डॉट a वेक्टर के बराबर ही होता है। दोनों अपोजिट साइन में है, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां बचा क्या? यहां पे सिर्फ बचा a वेक्टर और इसका जो आंसर रहता है इट इज गोइंग टू बी। अब वो साफ साफ आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि a वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड रहेगा 1। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी 4 into 1 माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2। इसका मतलब बी वेक्टर यहां पे आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास यहां आ गया, यहां पर आ गया आपके पास 4 - 2 इज इक्वल टू बी वेक्टर, और यहां पे आ गया 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वेरी सिंपल। तो जो आपका आंसर था, जो वो आपसे पूछ रहा था यहां पर कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो दैट इज गोइंग टू बी 2। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस बी वैक्टर डॉट a प्लस बी वैक्टर। अगर आपको 8 दिया हुआ है और अगर आपको a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो आप a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में इंडिविजुअली वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो बहुत सिंपल है, यहां पर नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल नॉर्मल। कैसे करेंगे? इसको हम चाहे तो ओपन कर लें नॉर्मल ब्रैकेट वाले रूल से, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नाउ a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8b। तो इसका मतलब 8b वेक्टर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब वैल्यू ऑफ a क्या रहेगा? आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ b दिया हुआ है, और b की वैल्यू जो है आपके सामने दी हुई है 8√63। Yes, this is your answer. You can rationalize √63 further. That's it. Now moving to next question. ये बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब a वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये आपको b वेक्टर दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल निकालना है। तो पहले क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिखना जरूरी समझा। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फॉर्मूला a डॉट b वेक्टर निकालना रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है a b cos थीटा, राइट। अब यहां पर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहां पर आंसर क्या आएगा जरा दिखाइए। यहां पर बोल रहा है दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना? ये बोल रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। अब यहां पर इसके बीच का जो एंगल है वो बोल रहा है 30r। तो 30r जो लिया हुआ है एंगल दिया हुआ है, मतलब इस थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 30r। क्लियर है? तो वो बोल रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट अगर इसका 2 रूट 3 दिया है, तो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। तो आपने बोला कि अगर इसका स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी को ही तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में ऑलमोस्ट उसने सारी चीजें दे दी हैं। ए डॉट बी से ही हमारा एंगल निकलता था, एंगल कितना दिया हुआ है 30R, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 रूट 3, और दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो क्या रहेगी वैल्यू, लेट्स फाइंड आउट। आपको अच्छी तरह पता है कि भाई दोनों की वैल्यू भी सेम है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लाइक दिस एंड cos 30R एंड इट इज गोइंग टू बी 2 रूट 3 एंड वी नो दैट दिस 30R इज एक्चुअली 30 डिग्री एंड 30 डिग्री मीन्स 2 रूट 3 a square cos 30 is what root 3 by 2, so root 3 by 2। इस तरह से हमारा root 3 कैंसिल हो गया एंड योर वैल्यू ऑफ a square is equal to 4 and yes this is going to be equal to 2। so ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर आ गया है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर के बराबर है। Now let's move to next question. Now this question, find the angle between two vectors. तो एंगल कैसे निकलता है हमारा ए बी, तो मतलब ए डॉट बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर साफ साफ दिया हुआ है आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, राइट और यहां पर ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड क्या है root 3 और 2, तो यहां पर इसकी जगह आ गया root 3, यहां पर आ गया यहां पर 2 और यहां पर cos थीटा। नाउ root 3 नीचे आ जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा root 6, root 3 into 2 एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज root 6। root 6 इज root 3 into root 2 डिवाइड बाय root 3 into 2 इज इक्वल टू cos थीटा। This is your final answer. Let's move to next question. Find the angle between these two vectors. Formula अभी भी same है. Let us take this as a vector. Let us take this as b vector. तो हमको formula अभी पता है कि a dot b will be equal to magnitude of a vector, magnitude of b vector, cos थीटा, right? अब होता क्या है यहाँ पे? आपने a dot b किया, तो ये आपका आ गया i cap minus 2j cap, राइट लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है ये भी निकालना जरूरी है, तो लेट्स फाइंड मैग्नीट्यूड फर्स्ट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। होता क्या है इसका वैल्यू, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, क्योंकि निकालना तो हमको एंगल ही है ना, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, राइट नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दिस। आपको पता है कि i डॉट i क्या होता है, i डॉट i 1 होता है, लेकिन i डॉट j i डॉट k क्या होता है 0 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सेम कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, राइट आई की कोएफिशिएंट आई के साथ, जे के कोएफिशिएंट जे के साथ और के के कोएफिशिएंट के साथ, राइट सो व्हाट इज द आंसर। नाउ मूविंग अहेड टू दिस क्वेश्चन, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू cos 90 के हिसाब से आने वाली है, मतलब 0 आने वाली है। जी हाँ, अब ये आपको करना क्या है, a प्लस बी वेक्टर पहले निकालेंगे, a माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर निकालेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, राइट लेट्स स्टार्ट। हमको पता है cos थीटा का फॉर्मूला ये होता है, अब आपको ये भी मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है रूट के अंदर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही 0 होने वाला है। लेट्स बिगिन, तो 4 into 2 minus 8 प्लस -1 into 3 तो -3, right? And this is going to be -1 and this, yes, it is going to be +5. तो भैया यहां पर आंसर कितना आ गया? आंसर आपका आ गया -8 0, तो 0 खत्म हो गया भाई, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका? 0 हो गया. Therefore angle is 90 डिग्री. cos 90 आपका 0 होता है, तो आपका राइट हैंड साइड में 0 आ गया, राइट? अगेन सेम क्वेश्चन, आपको यहां पर भी यही करना रहेगा. आपके पास यहां पर भी a वेक्टर प्लस b वेक्टर की निकालनी पड़ेगी वैल्यू, फिर आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर की निकालनी पड़ेगी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, और उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू सबको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है. 9 into -1 4 into 0 -4 into 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 17/565. I hope you all are getting the answer. Let's move to next question. Prove that three vectors this and this are at right angle to one another. करना क्या रहेगा? बिल्कुल सेम तरीका रहेगा, कॉस थीटा का ही कॉन्सेप्ट रहेगा. यहां पर भी हमें a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a इससे निकालकर ही समझ में आ जाएगा कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस और नो? हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? हमारा फॉर्मूला हमको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर होता है, लेकिन ये ही खुद 0 हो जाएगा तो ये राइट एंगल प्रूव हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो a डॉट b की वैल्यू क्या आएगी? आप बड़े आराम से देख सकते हैं, 3 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस 2 into -1 तो -2, तो 3 - 3 0. सिमिलरली यहां पर भी 0 आएगा, निकाल के देख लीजिए. सिमिलरली यहां पर भी 0 आएगा. देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट ऑल थ्री वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू वन अनदर. यस और नो? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? थम्स अप मारो. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू ईच अदर, सेकेंड केस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो पैरेलल में क्या होता है? cos 0 डिग्री हो सकता है हमारा. पैरेलल में क्या होता है? cos 0 डिग्री. मतलब a वेक्टर और b वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा 1 आएगा, cos 0 इज 1, और परपेंडिकुलर के केस में a वेक्टर और b वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आएगा. लेट्स बिगिन. अगर आपको याद हो तो मैंने परपेंडिकुलरिटी वाला केस समझाया था इस तरह से, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. यस और नो? लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने. अब यहां पर क्या हुआ? a1 a2 क्या है? 2 लैम्डा इज इक्वल टू -26. और पैरेलल वाले केस में हम बचपन वाला फॉर्मूला लगाएंगे. बचपन वाला फॉर्मूला कौन सा? कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. ये हमने क्लास 10 पे पढ़ा था, राइट? नो सॉल्यूशन वाले केस में, अगर आपको पता होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में. Here is your answer. Let's move to next question. Be quick. Again same type of question. यहाँ पर बोला गया है a plus b vector is perpendicular to a minus b vector. करना वही है, मतलब a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. तो यहाँ पर आपका a plus b vector पहले निकालना पड़ेगा, a minus b vector पहले निकालना पड़ेगा. Lambda is equal to root 84, which can also be written as 2 root 21 plus minus. So this is how we can find out value of lambda. Now move to next question. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है प्रोजेक्शन का. मैंने आपको बताया था a on b और b on a में क्या होता है. तो a on b में दोनों में एक चीज सेम होती है, वो होता है उसका न्यूमरेटर, दैट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर. यहां पर भी क्या रहेगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर. लेकिन ऑन b अगर बोलता है तो b नीचे है इसका मतलब, तो यहां पर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है. यहां पर ऑन a बोल रहा है, इसका मतलब यहां पर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है, राइट? मूविंग अहेड, यहां पर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, राइट? बस यही सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ व्हेन द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a on b is 4 units, right? तो इसका आंसर क्या होगा? तो on b है, इसका मतलब b डिनोमिनेटर पे आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू रूट 49 7 7 4 28 and it is going to be 2 lambda and yes 28 minus 18 and 18 lambda is equal to 5. So this is your final answer. I hope it is clear. The vectors A and B are mutually perpendicular. Given that A vector is equal to B vector, find the value of x and y. कैसे करेंगे? अब यहाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल दिया गया, इसका मतलब वही a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. Let's do it. पहली इक्वेशन तो ये बन गई. अब ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड इज 0. इसका मतलब दोनों में रूट आएगा, तो टू गेट रिड ऑफ रूट स्क्वायर कर सकते हैं इसको हम लोग. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों? यहां पर आंसर आएगा, इसका स्क्वायर क्या रहेगा 39 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर. यहां पर हमको x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी, राइट. अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया है 5. तो बहुत सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, वाई माइनस एक्स एंड वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5. वाई माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/6. तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड y साइमल्टेनियस इक्वेशन? यस. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप आपको इतने कम टाइम में बहुत सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. लेकिन हमारे सीक्वेंस में पार्ट देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीक्वेंस में देखिएगा, आपसे एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है. सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो.